गाड़ी है टाटा टियागो, तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं वायरिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्या दिक्कत है गाड़ी में। लाइट वगैरह पूरी आ रही है गाड़ी में मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। प्रॉब्लम जो होती है गलत दबाना पड़ता है इसमें तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है, देख सकते हैं आप ये कुछ भी नहीं बोल रही गाड़ी। तो गाड़ी तो ठीक ठाक दिख रही है बाहर, अंदर से तो बाहर से इसी कंडीशन देखते हैं, हो सकता है बैटरी इशू हो सकता है, तो बैटरी हम इसकी चार्जिंग को देते हैं और दूसरी बैटरी लगा के चेक करते हैं। टाटा टियागो, तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या पोजीशन है। लाइट्स वगैरह पूरी आ चुकी है, इग्निशन स्टार्ट करते हैं। अभी भी कोई वो नहीं बता रहा है, क्लच पर दबा हुआ है, गाड़ी नहीं बोल रही है, तो इसका मतलब बैटरी का इशू नहीं है, वायरिंग का इशू है, तो वायरिंग चेक करना पड़ेगी इसकी। वायरिंग चेक करने के लिए खोल रहे हैं अब गाड़ी का बंद, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये होता है फ्यूज वगैरह, तो फ्यूज और रिलर्स ही पूरी चेक करेंगे अपन, अगर उसके बाद भी नहीं होती तो फिर पूरा डैशबोर्ड भी खोलना पड़ सकता है और वायरिंग चेक करते हैं इसकी। डैशबोर्ड खोलने के बाद में चेक करा, फिर मैंने देखा नज़रें मारी तो उसके बावजूद ही मेरे को कहीं अंदर कटी मिटी नहीं दिखी, तो मेरे को कन्फर्म हो गया कि अंदर तो चूहा नहीं गया। तो फिर मैंने बाहर ट्राई करा, तो बाहर मैंने इसको चेक करी, तो गाड़ी को चेक करी तो इसी जगह चूहों ने वायरिंग काट रखी है इसकी, फिर देख नहीं सकते आप देख लो। तो मैंने फिर भी हाथ मारा तो देखो आप देख सकते हैं अंदर दिखेगा आपको, उन्होंने इस जगह से वायरिंग काट रखी है, दिख रहा आपको। तो ये होता है फ्यूज बॉक्स, फिर फ्यूज बॉक्स खोलेंगे, उन्होंने वायरिंग अंदर से यहाँ से काट रखी है, तो खोलने के बाद दिखेगा ये। तो देख सकते हैं ये चूहों ने वायरिंग काट रखी है उस जगह से, ये मोटर तड़ते फायरिंग काट का हो गया। तो कलर वाई कलर तार मिला के जोड़ना है, आउट तार नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पूरे वायरिंग के तार जोड़ दिए हैं अपन ने, एक दो तीन चार पाँच और छः, वो ये तो कटा था नहीं, हालांकि चूहों ने काटा था नहीं, जिसमें तो पांच तार तो पूरे चूहों ने काट देते इसके। अब देखते हैं इसकी टेपिंग करते हैं आगे, देखते हैं आप पूरी वायरिंग जोड़ दिया बनने और टेपिंग भी शानदार वाली करी है बिल्कुल एकदम कंपनी से। आराम, क्या पोजीशन है गाड़ी की, लाइट्स वगैरह पूरे आ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ओनली आप देख सकते हैं टेल लैंप की लाइट आ रही है जो कि अपन स्कैनर से हटा देंगे,
और कोई इग्निशन नहीं आ रहा, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। वायरिंग हो गई है, काम हो गया एक बार। चलो निकाल वापस, फिटिंग कर दे, वेट कर दे। टर्मिनल में दो टर्मिनल, देखते हैं पूरी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है इसकी गाड़ी की। अब इसकी चलते हैं ट्राई पे, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही चलने चलने फिरने में, देखते हैं ना। की फिटिंग हो चुकी है इसकी, स्कैनर लगा दिया बनने, बत्ती हटा दी इसकी, तो बत्ती आ रही थी अब नहीं आ रही हो, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग ओके।